नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। और आज मैं आपको पेनिस के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मल पेनिस साइज कितना होता है और आप घर में बैठ के पेनिस का साइज कैसे मेजर कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जब से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, हर आदमी अपने पेनिस के बारे में सोचने लगता है और ये बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेवियर है। रिसर्च से पता चला है कि 70% लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि उनका पेनिस का साइज छोटा है। और ये क्यों सोचते हैं कि उनका पेनिस का साइज छोटा है? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उनको ये पता ही नहीं कि नॉर्मल पेनिस साइज कितना होता है। तो वो ब्लू फिल्म्स देखते हैं और पोर्नोग्राफिक मूवीज देखते हैं और उसमें पॉर्न स्टार्स के पेनिस के साइज से अपना पेनिस का साइज कंपेयर करते हैं। फिर उनको लगता है कि उनका पेनिस का साइज छोटा है, लेकिन ये ठीक साइज नहीं होता जिससे कंपेयर करना चाहिए। आपको नॉर्मल पेनिस का साइज पता होना चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल पेनिस साइज कितना होता है। नॉर्मल पेनिस साइज जो होता है वो हम लेंथ में और गर्थ में मेजर करते हैं। जो लेंथ होती है, लंबाई, वो नॉन इरेक्ट स्टेट में 3 से 3.5 इंच होती है और इरेक्ट स्टेट में 5 से 5.5 इंच होती है। और गर्थ जो चौड़ाई होती है वो भी नॉन इरेक्ट स्टेट में 3 से 3.5 इंच होती है और इरेक्ट स्टेट में 5 से 5.5 इंच होती है। अब आप जब जान चुके हैं कि नॉर्मल पेनिस साइज कितना होता है, तो आइए देखते हैं कि अपना पेनिस साइज आप घर में कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर आप इस दीवार को अपनी बॉडी माने और ये माने कि ये पेनिस है, तो आप पेनिस को सामने से पकड़ के ऐसे खींचिए जितना भी खींच सकते हैं। जो लेंथ आएगी वो स्ट्रेच फिनाइल लेंथ होती है। उसके बाद फिर आप इसको एक स्केल लीजिए और उसको बॉडी से टच करके यहां तक पहुंचाइए, टिप तक। और जो लेंथ यहां से लेके टिप तक होती है वही आपकी स्ट्रेच फिनाइल लेंथ होगी। जैसे ये यहां पे खत्म हो रही है तो ये स्ट्रेच फिनाइल लेंथ है। और चौड़ाई कैसे मेजर करते हैं कि एक फ्लेक्सिबल रूलर ले सकते हैं या एक धागा ले सकते हैं, उसको ऐसे गोल करिए अपने पेनिस के अराउंड। और उसके बाद फिर जो भी लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ आपकी गर्थ होगी। और अगर आपके पास फ्लेक्सिबल रूलर नहीं है तो एक धागा भी लगा के इसको चौड़ाई को मेजर कर सकते हैं। उस धागे को रूलर के साथ रखिए और जो भी लेंथ होगी वही लेंथ आपकी पेनिस की गर्थ होगी। तो आपने देखा कि हम पेनिस का साइज कैसे मेजर करते हैं। अब ये पेनिस का साइज मेजर करने का फायदा क्या है? इसके दो फायदे हैं। पहला, अगर आपको लगता है कि आपका पेनिस का साइज छोटा है तो आप उसको मेजर करके नॉर्मल से कंपेयर करिए, और अगर फिर भी आप अपने साइज से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी करा सकते हैं जिसका आपका पेनिस का साइज बढ़ सकता है। दूसरी चीज, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सेक्स की प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पेनिस का साइज इरेक्शन में कितना है, तो उनको ये पता नहीं होता कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद उनकी लेंथ कितनी आएगी। उस कंडीशन में आप अपनी स्ट्रेच पिनाइल लेंथ मेजर कर सकते हैं और जो लेंथ स्ट्रेच करने के बाद पेनिस में आती है वही लेंथ आपके इम्प्लांट के बाद आएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इम्प्लांट के बाद आपकी कितनी लेंथ आएगी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको और कुछ मेरे से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। धन्यवाद।